मैं शिवानी, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। बॉलीवुड क्वीन और मंडी से बीजेपी की सांसद कंगना रनौत बीजेपी के लिए मुसीबत बनती जा रही। पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी ने उन पर दांव खेला था और सिल्वर स्क्रीन की गेम मल्लिका निराश भी नहीं की, जीत कर संसद में पहुंच गई। लेकिन अब उनकी बेबाकी और हर मुद्दे पर बोलने की आदत बीजेपी के लिए सरदर्द बढ़ा रही है। पार्टी ने रद्द किए जा चुके 3 कृषि कानूनों को वापस लाने की जरूरत से जुड़े उनके बयान से किनारा कर लिया है। जब कंगना ने अपने बयान को निजी बता रही और खेद जता रही है, शब्दों को वापस ले रही है। पिछले एक महीने में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब बीजेपी ने कंगना रनौत के बयानों से दूरी बनाई है। मंडी सांसद अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती है। बीजेपी में शामिल होने और सांसद बनने से पहले वह अक्सर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहा करती थी। कई बार बड़बोलेपन की वजह से अब मैडम सांसद बन गई है, लेकिन हर मुद्दे पर बेबाकी से राय उनकी आदत नहीं गई है। नतीजा ये रहा है कि अब बीजेपी को जब तब असहज कर रही है। पिछली बार उन्होंने कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन को भारत में बांग्लादेश की तरह सत्ता परिवर्तन की साजिश करार दिया था। आंदोलन के दौरान रेप और हत्या के आरोप लगाए, किसी को डिसअपॉइंट किया है। लेकिन विपक्षी दलों और किसान संगठनों की तीखी प्रतिक्रिया के बाद बीजेपी ने न सिर्फ उनके बयान से किनारा कर लिया है, बल्कि उन्हें सोच समझकर बोलने की नसीहत दी दी है। लेकिन कंगना तो कंगना है, सियासत में जहाँ कई बार कड़वा सच बोलना भी अपराध हो सकता है, बेबाकी भी बेवकूफी हो सकती है। जिस पार्टी ने खुद को कंगना के कहे कड़वे सच से दूर कर लिया है, वह अपने शीर्ष नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए फैसले को पलटने की बात करने को कैसे बर्दाश्त कर सकती है। दरअसल बता दें कि बीते मंगलवार को कंगना ने कहा कि 3 कृषि कानून किसानों के लिए फायदेमंद थे और फिर से लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में किसान समूहों के विरोध के कारण सरकार ने कानूनों को रद्द कर दिया था। उन्हें पता था कि बयान पर विवाद होगा। उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि यह बयान विवादित हो सकता है, लेकिन 3 कृषि कानूनों को वापस लाया जाना चाहिए। किसानों को खुद इसकी मांग करनी चाहिए। उन्होंने किसानों से अपील की कि वो अपनी भलाई के लिए रद्द हो चुके 3 कृषि कानूनों को वापस लाए जाने की मांग करें। कंगना ने के इस बयान से बीजेपी इतनी विचलित हो गई कि उन्होंने अपने ही सांसद से कई बातों की निंदा करनी पड़ी। आनंद फानंद में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत का केंद्र सरकार द्वारा वापस लिए गए कृषि बिलों पर बयान वायरल हो रहा है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह बयान उनका निजी बयान है। कंगना रनौत बीजेपी की तरफ से ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत नहीं है और यह कृषि बिलों पर बीजेपी के विचार को नहीं दर्शाता। हम इन बयान की निंदा करते हैं। बीजेपी को पल्ला झाड़ने के बाद कंगना रनौत ने न सिर्फ अपने बयान को निजी बताया बल्कि खेद भी जताया। उन्होंने कहा कि यह उनका बयान उनकी निजी राय है, उन्हें अपने बयान पर खेद है और वह अपने शब्दों को वापस ले रही। पिछली बार कंगना रनौत ने कड़वा सच कहा था, क्योंकि किसान आंदोलन के दौरान मर्डर और रेप का आरोप गलत नहीं था। पूरे देश ने देखा है कैसे राष्ट्रीय राजधानी के बॉर्डर पर एक दलित युवक को तालिबान अंदाज में उल्टा लटका कर तड़पा तड़पा कर मारा गया था। पूरे देश ने देखा कि कैसे किसान आंदोलन के दौरान एक आंदोलनकारी लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोप लगे थे। 25 साल की उस लड़की के पिता ने FIR में कहा था कि दिल्ली से किसानों का एक दल पश्चिम बंगाल गया था, जहां लड़की उनके संपर्क में आई थी। किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए वह के साथ ट्रेन से दिल्ली आ रही थी, उसी दौरान उसके साथ कथित तौर पर दुष्कर्म हुआ। इस मामले में 6 के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। बाद में लड़की को कोरोना हो गया और अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मामला जब सामने आया तो किसान नेताओं ने टिकरी बॉर्डर पर लगे आरोपियों के टेंट को हटवा दिया था। वहीं अब कंगना रनौत ने अपने बयान पर यूटर्न लेते हुए एक वीडियो जारी किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया वीडियो में कहा कि मैं कृषि कानूनों के जो लॉज हैं वो साथ खड़ी हूं और अपने शब्द वापस लेती हूं। कंगना ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से मीडिया ने मुझसे कृषि कानून पर सवाल किए थे और मैंने कुछ सुझाव दिए थे कि किसानों को PM से कृषि कानून वापस लाने का निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत लोग निराश हुए थे। उन्होंने कहा कि जब कृषि कानून आए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने इसका समर्थन किया था। बाद में हमारी बड़ी ही संवेदनशीलता से कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया था और ये हम सभी कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम अपने शब्दों की गरिमा बनाए रखें। कंगना रनौत ने कहा कि मुझे ये भी ध्यान रखना होगा कि अब मैं कलाकार नहीं हूँ, बीजेपी कार्यकर्ता हूँ। मेरे ओपिनियन अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंडर्ड होना चाहिए। मैंने अपने शब्दों या सोच से किसी को निराश नहीं किया है। मुझे खेद है, मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ।
हिमाचल प्रदेश में अपने निर्वाचन क्षेत्र मंडी में पत्रकारों से बात करते हुए कंगना रनौत ने कहा कि मुझे पता है कि यह बयान विवादास्पद हो सकता है, लेकिन तीनों कृषि कानूनों को वापस लाया जाना चाहिए, किसानों को इसकी मांग करनी चाहिए। कंगना ने तर्क दिया कि तीनों कृषि कानूनों किसानों के लिए फायदेमंद थे, लेकिन कुछ राज्यों में किसान समूह के विरोध के कारण सरकार ने इन्हें वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि किसान देश के विकास का एक स्तंभ है। मैं उनसे अपील करना चाहती हूँ कि वो अपने भले के लिए किसान कानूनों को वापस लाने की मांग करें। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल हैंडल पर कंगना के बयान वाला वीडियो शेयर करते हुए लिखा, किसानों पर लादे गए तीन काले कानून वापस लाने चाहिए। बीजेपी के सांसद कंगना रनौत ने ये बात कही है। देश के 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए, तब जाके मोदी सरकार की नींद टूटी और ये काले कानून वापस लाए। जो लॉज है वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए, हो सकता है कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान जैसे बाकी जगहों पे समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। और जैसे वन नेशन वन इलेक्शन सारे ब्यूरोक्रेसी हो गए, सारे जो हमारे लीडर हो गए हर दो दो तीन तीन महीने में इलेक्शन करते रहते हैं, तो देश के विकास में किसान जो है वो मेन हमारा एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। तो मैं चाहती हूँ कि वो खुद ऐसी अपील करें कि भाई हमारे जो थ्री लॉज जो हमसे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक राज्यों में जो है उन्होंने उसको लेकर जो है आपत्ति जताई थी, मुझे लगता है कि उनको मैं हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो है वो लॉज जो है वापस। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे, और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक।